तो समीर भाई का डाउट है, बिरबो ऐप में हम जो 11 लैब्स से ऑडियो बनाते हैं या खुद का एडिट किया हुआ वॉइस कैसे वीरबो ऐप में अपलोड करें? और जिनको वीरबो ऐप के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, ये भी DID.AI के जैसा इमेज को वीडियो में बदल देता है। लेकिन तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीरबो ऐप में यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको वीरबो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम वीरबो है, वंडर सेयर वीरबो ऐप, आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वर्क कर रहा था तो इसमें कैंसिल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड या फिर यहाँ पर जो कोने में इस पर क्लिक करोगे तो ये 9:16 या फिर 16:9 के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे को भी यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं करना, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर 16:9 कर देना एंड क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपका जो मॉडल है या AI अवतार है इसको चेंज करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज अवतार पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आप मेल भी ले सकते हो या फिर फीमेल, या फिर आप यहाँ पर रिकमेंडेड में जो है इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। भाई तभी यहाँ पर मैं मेल वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, शायद ये अच्छा रहेगा। अभी ये लोडिंग ले रहा है तो ये अप्लाई वाला सीखा होता है भाई। हाँ ये इस तरह से हो गया है, थोड़ा मेरे को सही लग रहा था तो कर लिया। एंड यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है आप चाहो तो इसको चेंज कर सकती हो। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप बेसिक के लिए ग्रीन स्क्रीन कर सकते हो, बाद में आप अपने किसी भी एडिटिंग ऐप में चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं ग्रीन स्क्रीन करता हूँ, फिर हॉट में देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी काफ़ी सही बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर डन कर देता हूँ। या फिर ग्रीन सही रहेगा ब्रो, क्योंकि वहाँ पर हम अपने एडिटिंग ऐप में सब सही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डन कर दिया इसको। अब बात करते हैं इसमें ऑडियो कैसे पेस्ट करें। अगर जो आपके पास स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं एंड ये ऑटोमेटिक आपका जो वॉइस जनरेट कर देगा। बट इधर वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो यहाँ पर हम खुद का अपना वॉइस मैंने 11 ऐप से क्रिएट किया है, तो मैं उसको अपलोड करूँगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो यहाँ पर माइक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से आप हिंदी कर सकते हो या फिर इंग्लिश, यहाँ से आपका सबटाइटल जो है यहाँ पर वो सिलेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पर हिंदी रखता हूँ। एंड इंपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ और जो मेरा साउंड है वो वीडियो के फॉर्मेट है, तो मुझे वीडियो में से साउंड को निकालना है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो मेरा ये वाला म्यूजिक वीडियो है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक सीन है, यहाँ पर केवल 2 मिनट का ही क्रेडिट मिलता है, तो मैक्स यहाँ पर 2 ही मिनट का रखना। तो मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है और यहाँ पर जो आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा और सबटाइटल सब साथ में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा आपको वेट कर लेना है। अपलोडिंग ऑडियो, तो सब टाइटल ऐड होने के बाद यहाँ पर आपका जो सभी जो टेक्स्ट है वो लिखकर टाइम के हिसाब से आ जाएगा। तो सब टाइटल ऐड होने के बाद यहाँ पर जो सभी टेक्स्ट है वो एक टाइम लाइन पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहो तो सब टाइटल हिंदी पे क्लिक करके या फिर इंग्लिश पे कर सकते हो, तो मेरे को यहाँ पर हिंदी सही लग रहा है तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इधर जो अपना जो सब टाइटल है इसे आप चेंज भी कर सकते हो, टेम्पलेट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ये भी कर सकते हो, या ब्लैक जो इसका बॉर्डर है, तो यहाँ पर मैं भी येलो वाला सही रहेगा मेरे को लगता है, या फिर ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक सही रहेगा। ओके, मैं ब्लैक कर देता हूँ। एंड इधर से आप कलर इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ पर वाइट कुछ भी कर दो यार, क्या हो गया, दोबारा ब्लैक, चलो हाँ ये सही है भाई। उसके बाद डन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर सब सही होने के बाद अब इसको एक बार प्रीव्यू सुन लेते हैं कि ऑडियो अपना कैसे हुआ है। तो यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड ये जनरेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर
तो गाइज यहाँ पर जो सबटाइटल को लिख रहा है, यहाँ पर जो इस करेक्टर का माउथ है वो भी नहीं मूव कर रहा। ये जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब एक्सपोर्ट के साथ ना जो इसका लिपसिंग है ये भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर ये एक्सपोर्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैक्सिमम यहाँ पर 2 मिनट या 3 मिनट लेगा अपने हिसाब से, जितना आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो ये मेरा 2 मिनट का वीडियो है लगभग, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लेने वाला है लगभग 5 या 4 मिनट। अगर जो आपका शॉर्ट वीडियो है या 30 या 40 सेकंड का है तो काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो सेविंग हो चालू हो गया है, तब तक के लिए यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो गाइस वीडियो जनरेट होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेव टू पब्लिश पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर वीडियो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप सुन लो एक बार। तो समीर भाई का डाउट है, बिरबो ऐप में हम जो 11 लैब्स से ऑडियो बनाते हैं या खुद का एडिट किया हुआ वॉइस कैसे वीरबो ऐप में अपलोड करें? ओके, तो हम वीडियो को सेव करते हैं यहाँ पर सेव टू एल्बम पे क्लिक करके एंड यहाँ पर आपका जो वीडियो है कुछ टाइम के बाद आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम। तो फाइनली वीडियो सेव हो गया है एंड अब चलते हैं अपने एडिटिंग ऐप में। इन शॉर्ट आप किस तरह, आप किस ऐप में, मतलब किस सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो